बस अभिजीत साहब हैं और इनको अर्टिकेरिया था इससे पहले जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आए। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूछना चाहते हैं इनसे कि खालिस यूनानी जो ट्रीटमेंट हमने शुरू किया उसके बाद क्या चेंजेस आया, और एक चीज़ ये भी कि जब ये इससे पहले कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट किया और क्या तकलीफ थी इनको इस ट्रीटमेंट के बाद, वो क्या अभी और चूँकि ये प्रोसेस में है हमारे पास, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस के दौरान इनको अभी तक इतना फायदा हुआ, इनसे हम बात करेंगे भी। ये बताइए, मैं अर्टिकेरिया जो आपको बीमारी थी उसके थ्रू पूरा जानना चाहते हैं कि आपको ये शुरुआत कब हुई। सर ये हमको जिस समय हम 12 में थे, 12 के बाद जैसे एग्जाम दिए तो उस समय हमको ये स्टार्ट हुई थी। तो वो हमको पहले शरीर में रुखला पड़ जाता था पूरा, इसी कारण से उसके बाद वो चाहता था। तो पहले इचिंग नहीं होता था, हल्का फुल्का इचिंग होता था लेकिन रेगा रेगा नहीं होता था। तो उसके बाद जो है ना बस चालू हो गया। उसके बाद मैंने बहुत जगह दिखाया लेकिन गाँव पे ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने वहाँ पे भागलपुर में एक मतलब कि वहाँ पे एक क्या कहता है एक कॉलेज है बता रहे सर, मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, वहाँ पे दिखाया लेकिन वहाँ पे एक सेटिजाइन लिखा और कोई बोला कोई दिक्कत नहीं इसको खाइए, लेकिन खाए लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने होम्योपैथिक में दिखाया तो वहाँ पर भी दिखाया कि दो तीन महीना दवा खाए कोई असर नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ते गया। उसके बाद मैंने पटना यहाँ आए, पटना से फिर आपको कोई बताया गया कि यहाँ पे एक कॉलेज है यहाँ पे आप दिखाइए। तो यहाँ पे आए तो हम दिखाए तो पहले तो एक दो दिन खाए तो हल्का फुल्का नॉर्मल हुआ। उसके बाद अब अभी जो है पहले था हम एक घंटा बैठते थे तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगता था बहुत ज़्यादा। कहाँ पे इचिंग होने लगता था? जहाँ पे बैठते जिससे जैसे पोजीशन में बैठते हैं उसी। अच्छा, थाइज में और कमर इस एरिया में, हिप में, थाइज में। अच्छा, उसी पूरा होता था। एक घंटा नहीं बैठ पाते पूरा नचाता था और पूरा बाथरूम में जाके नोचते थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ दिखाए, दवाई लिए, उसके बाद बहुत कंट्रोल हो गया। अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले कहाँ कहाँ और ट्रीटमेंट कर चुके हैं? यहाँ पर भी PMCH आए, जब पटना आए तो यहाँ PMCH में मैंने दिखाया। एक महीना तक वहाँ चला दवाई लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर राजीव रंजन है सर, वहाँ पर भी दिखाए थे। अच्छा, वहाँ पर भी दिखाए अंग्रेजी दवाई तो वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, तो टोटल कितने दिन से आप इसके लिए दवाई ले रहे हैं? इस यहाँ आने से पहले यहाँ से ले बहुत दिन से दवाई ले रहे हैं। बहुत दिन, कब शुरू हुआ था आपका ये? ये 2014 ये में हो गया था, स्टार्ट हुआ 14 से आपको। अच्छा, और ये यहाँ आने से पहले तक क्या क्या दवा ले रहे थे आप उसके लिए? सेटिजाइन ले रहे थे और बस होम्योपैथिक में दवा आर्टिका यूरेंस दिया था और अच्छा डलका मारा दिया था, यही सब दवाई चला था और दवाई नाम याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मतलब 3 साल से आपको मामला था उसके बाद यहाँ। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या फील हुआ जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो? जब से मेरा जब यहाँ पे आए तो मेरा क्या कहता है यहाँ पे आए तो वो दवाई जब वो क्या कहता है उसमें जो प्रोसेस हमने शुरू किया तो कुछ जो है ना ये चीज घटा। हाँ, और उसके बाद जब से दवाई लिए तो लगभग 60% अभी 70% मतलब कि अभी खत्म हो गया। अभी हल्का फुल्का है जो कि कभी कभी होता है। ठीक है, मतलब पहले आपको जो इचिंग होती थी कभी रात में बहुत ज़्यादा, हाँ, डेली होता था? हाँ, डेली या डेली फिर कितने दिन? गर्मी लगता था जैसे गर्मी ठंडी होती थी। हाँ, उसके बाद पूरा दर्द होता था पूरा। वेदर का डिफरेंस आता था उस वजह से आपको शुरू हो जाता था? ठीक है। अच्छा, पहले जो आप बदन पे खींचते थे कोई निशान तो कितने देर में उभर के आ जाता था? बहुत जल्दी बहुत जल्दी। मतलब कितना? 10 सेकंड दस सेकंड में आ जाता था और अब तो बहुत डिले हो गया इसका मामला। अब वो जो पहले डेली लगभग आपको रात में इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, अभी डेली हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रहा है बहुत, मतलब कि सप्ताह में एक बार हो गया तो नहीं हो पाता, हल्का फुल्का होता है। अच्छा, वीकली अब वो चीज़ है, मतलब एक हल्का फुल्का होता है, 7 गुना उसकी कमी आई उसमें। ठीक, कैसा महसूस कर रहे हैं आप ट्रीटमेंट से? अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट किस क्या पढ़ाई करता है?
यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी के लिए हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं आपके लिए कि आप जल्दी जल्दी पूर्ण तरह से आप इसी कारण से नहीं तो पढ़ एक मिनट भी पढ़ नहीं पाते, 10 मिनट आधा घंटा पढ़ते थे बस सर, बहुत ही चीज होते थे उसके कारण सो जाते थे सर। सोने के बाद फिर आराम आता जब सो गए तो सो उसके बाद। चलिए अर्टिकेरिया के और भी पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज यही होगा कि ये ऐसा बीमारी है कि जहाँ हम हार मान गए थे इसके कारण में, हम सोच गए थे अब ये मेरा ठीक नहीं होगा, लेकिन हम जब यहाँ तिब्बी कॉलेज में आए यहाँ पे तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब यूनानी ट्रीटमेंट को इसके लिए आप रिकमेंड करेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली इसमें। चलिए बहुत बार वो तो खाली बस दबा के रखता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ये जो काउज है उसको रिमूव करने की हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि बाकी के जो कुछ बचा हुआ है आपका पूरी तरह इसको कंप्लीट करें हम और अल्लाह करे इसमें शिफा मिले। और मतलब जैसे जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है उसको बोलना चाहते हैं कि वो आवे एक बार जब सर सबसे दिखावे तनवीर सर से, वो जरूर जरूर जरूर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।